शुरुआत करते हैं लास्ट सेक्शन वॉर दी थंडर सेट की जिसके बारे में कहा जाता है कि दिस इज दी एसेंस ऑफ द होल पोइट्री इस पर्टिकुलर सेक्शन में पूरी पोइट्री का निचोड़ निकल कर आता है तो दिस सेक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट टर्म प्लीज़ डू लाइक द वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन कॉन्टैक्ट टू ज्वाइन और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस जो लोग मेरे वीडियोस देखते आए हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से पता होगा मेरा समझाने का पैटर्न सबसे पहले मैं स्टोरी के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाती हूँ एंड देन आई ट्राई टू डिस्कस ऑल दी इम्पॉर्टेंट आर्टिस्स जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आएंगी अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो प्लीज़ अपनी स्किल्स का और अच्छे से यूज़ करिए डू नॉट रन फॉर एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट्स सो पहले पढ़ लेते हैं वॉर दी थंडर सेड में है क्या मच ऑफ दिस फाइनल सेक्शन ऑफ द पोम इज़ अबाउट अ डिज़ायर फॉर वाटर वाटर को कनेक्ट किया गया है पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ और दिखाया गया है कि वाटर इज अवेलेबल ओनली इन ईस्टर्न कंट्रीज एंड वेस्ट इज कम्प्लीटली ड्राइड मतलब वेस्टर्न कंट्रीज से इमोशन्स ख़त्म हो चुके हैं और इमोशंस सिर्फ बचे हैं ईस्टर्न कंट्रीज़ में एंड स्पेसिफिकली इंडिया इज मैंशन इन दिस पोइट्री सो द वेस्ट लैंड इज़ अ लैंड ऑफ ड्रॉट ड्रॉट मतलब अकाल जहाँ सूखा पड़ा होता है वेयर लिटिल विल ग्रो एंड वाटर इज नीडीड टू री स्टोर लाइफ टू अर्थ टू रिटर्न टू अस्टर्टी टू फर्टिलिटी तो में भी, भी आपको समझ आ गई होंगी सारी लाइंस की जो लैंड है वेस्टर्न एरियाज़ को बिल्कुल सूख चुका है पूरे तरीके से और वहाँ पर फर्टिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स एलियट की पोइट्री की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि उनकी पोइट्रीज में एल्यूजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं दी हिस्ट्री फ्रॉम दी एंशियंट सिविलाइजेशन फ्रॉम एपेक्स फ्रॉम माइथोलॉजीज़ तो इस पोइट्री के इस सेक्शन की शुरुआत भी एक एल्यूजन के साथ ही होती है द लास्ट पोइम ऑफ द वेस्टलैंड रिवील्स फोर सीन्स द फर्स्ट सीन इज दैट ऑफ गेट्स मैने गार्डन इन जेरूशलम वेयर अकॉर्डिंग टू द ऑफ क्रिस्टियानिटी Lord Jesus was arrested the night before his crucifixion. When Jesus Christ was captured in the dead of night, this was the place, this was the first scene. So this scene then shifts into a barren, a very rukha -sukha kind of landscape filled with rocks but no water. The rocks but no water is poetry which I tell the scenes. Mein this scenes merge into a scene similar to search for the

मैं यहाँ पर लिखी हुई फर्स्ट फोर लाइंस को रीड कर रही हूँ आफ्टर दी टॉर्च लाइट रेड ऑन स्वेटी फेसेस आफ्टर दी फ्रॉस्टी साइलेंस इन दी गार्डन्स आफ्टर दी एग्नी इन स्टोनी the द शाउटिंग एंड crying। तो ये लाइन रेफर्स रेफर करती हैं उस मोमेंट को जब क्राइस्ट को मार दिया गया था एंड पीपल डिड नॉट नो वेदर ही विल गेन रीबर्थ और नॉट ऑन ईस्टर संडे इन अदर वर्ड्स दीज लाइन मार्क द मोमेंट ऑफ जस्ट वेटिंग एंड वॉन्डरिंग बिकॉज वी आर नॉट श्योर इफ एनी रीबर्थ इज गोइंग टू टेक प्लेस इन स्टेड वी जस्ट वॉन्डर इन स्पिरिचुअल डार्कनेस एंड और टॉर्च लाइट रेड ऑन स्वेटी फेसेस इन लाइन्स को देखिए आफ्टर वी विटनेस क्राइस्ट एग्नी इन स्टोनी प्लेसेस तो क्राइस्ट की एग्नी को उन सब लोगों ने भी फेस किया उन सब लोगों ने भी उस पेन को फील किया जो क्राइस्ट ने फील किया था और वो सब लोग जो दुखी थे क्राइस्ट के जाने से दे वर एक्चुअली वेटिंग फॉर हिज कमिंग बैक सो क्राइस्ट इज द वन बीग स्पोकन अबाउट इन दीज लाइन्स इवन ही हु वॉज लिविंग इज नाउ डेड तो यहाँ पर लिखी हुई आप हाईलाइटेड लाइन्स को देखिए ही हु वॉज नाव Uh, who was now living is now dead. No water but only rock, rock and no water, and the sandy road, the road winding above among the mountains, which are mountains of rock without water. So, rock without water is an important keyword which you will in the exams. T.S. Eliot, Eliot puts this direct terms when he writes, Here is no water but only rock. रॉक एंड नो वाटर ऑन द संडी रोड तो इट कंटिन्यूज लाइक दिस फॉर अ वाइल्ड एंड ही विशेज कि यहाँ पर वाटर होता बिकॉज इफ दर वाटर प्रजेंट एवरी वेयर वी शुड स्टॉप एंड ड्रिंक तो जितने भी वॉन्डरस हैं अगर वॉटर देखते हैं तो दे स्टॉप एंड ड्रिंक फॉर अ मोमेंट बट एट द एंड ऑफ द डे अमांस द रॉक वन कैनॉट स्टॉप एंड थिंक तो अगर आप चलते जा रहे हैं किसी रास्ते में और आसपास हर जगह सूखा ही सूखा है तो मे बी यू विल नॉट स्टॉप यू विल नॉट थिंक एनी थिंग बट इफ़ यू फाइंड वॉटर अराउंड यू विल स्टॉप यू विल थिंक यू विल ड्रिंक वाटर सो स्टॉपिंग फॉर अ ड्रिंक ऑफ वाटर इज कम्पेयर टू स्टॉपिंग एंड थिंकिंग डीपली अबाउट लाइफ हैज़ वेल एंड नाइडर कैन रियली हैपन इन लाइफ वेस्ट लैंड ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड तो जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो पूरे तरीके से डाई है नो बडी इज स्टॉपिंग नो बडी इज थिंकिंग एनी थिंग इन लाइन्स को देखिए हु इज द थर्ड हु वॉक्स ऑलवेज बिसाइड यू वेन आई काउंट देर आर ऑनली यू एन आई टूगेदर बट वैन आई लुक अहेड अप द वाइट रोड देर इज ऑलवेज अनदर वन वॉकिंग बिसाइड यू सो द रेफरेंस टू द थर्ड पर्सन कम फ्रॉम शिकल्टंस अकाउंट ऑफ इज एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन वे दी मेम्बर्स ऑफ इस टीम वर्क कंटिन्यूली अंडर द इम्प्रेशन दैट देर वॉज एन एक्स्ट्रा पर्सन वॉकिंग विद डेम दैट कुड नॉट बी अकाउंटेड फॉर ये एक्सर्ट एक बहुत ही फेमस एक्सपिडिशन से लिया गया कुछ लोगों की एक टीम थी जो कि एंटार्क्टिका में एक्सपीडिशन के लिए गई हुई थी एंड द मेम्बर्स कंटिन्यूली एक्सपीरियंस की उनके साथ कोई एक्स्ट्रा पर्सन चल रहा है इलियट सीज दिस एक्स्ट्रा पर्सन एज हुडेड इन हिज ब्राउन मेंटल तो ये एक्स्ट्रा फिगर जो है बिल्कुल हुडेड है उसका फेस नज़र नहीं आता है इट सीम्स दैट पर्सन इज डेथ इलियट सेज दैट द सीन इन दीज लाइन्स वॉज इंस्पायर्ड बाय अ स्टोरी दैट

These lines though could also refer to a story from the Bible, the book of Luke, if any of you knows about it, in which Christ appeared beside his disciples during a journey, but the disciples were unable to recognize him. तो कई बार ऐसा भी दिखाया जाता है कि Christ हमारे साथ चल रहा है, मतलब God हमारे साथ चल रहे हैं हमेशा, but we are unable to recognize Gods. So basically, ये excerpt कहता है कि there is always Some kind of out of the world power with us, be it evil or be it angel. Ganga was sunken and the limp leaves waited for rain while the black clouds gathered for distance. Over Himavant, the jungle crouched, humped in silence. यहाँ पर आप दो इंडियन वर्ड्स को बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे गंगा एंड हिमावन हिमावन इज़ द प्रसोनिफिकेशन फॉर्म ऑफ हिमालयाज ऑनली सो दीज लाइन्स बिगिन द फाइनल मोमेंट्स ऑफ द पोम विच सेंटर्स ऑन इमेजेस फ्रॉम इंडिया एंड द रिलीजन ऑफ इंडिया हिंदुइज़म the focus leaves the western world and uh, travels to india where the rain causes the ganges to overflow symbolizing how the west has lost its fertility. west has dried up and has become the real wasteland while the eastern places are still flourishing and have more than enough moralistic values are still here there in the mountains and jungles the thunder or the voice of god Still gives wisdom. Then spoke the thunder, data What have we given? Dviedam, I have heard the key. Damyata, the boat responded gaily to the hand expert with sail and oar. आपको ये शब्द थोड़े-थोड़े संस्कृत जैसे लग रहें होंगे मैं अभी इनका मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ आपको. So after all of this टॉक ऑफ वेस्ट लाइंड द थंडर बिकम्स ऑडिबल यहाँ पर तीन वर्ड्स मैंशन किए हैं दाता दव्य दम एंड दम्यता इन ऑर्डर दे मीन गिव कम्पाशन एंड कंट्रोल दाता मीन्स गिव दव्यधम मीन्स कम्पाशन करुणा कहते हैं हिंदी में और दम्यता मीन्स कंट्रोल दीज Come from the Upanishads, which is an ancient philosophical text containing Hindu and Buddhist concepts. And among these concepts and statements are three duties giving, compassion, and control. These are the things each individual must sacrifice to the gods, to other people, to animals, and so on. It is part of lessons of ethical responsibility of each person. दत्ता दव्य दम दम्यता शांति 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 इन संस्कृत दत्ता दव्यधम एंड दम्यता विच कमांड यू टू गिव टू सिंपथाइज टू कंट्रोल दिस इज फॉलोड बाय अ रेपिटेशन ऑफ द वर्ड शांति द पोम क्लोजेज विद द रेपिटेषन ऑफ द थ्री वर्ड्स द थंडर सेज शांति 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 विच मीन्स दैट द वर्ल्ड नीड्स पीस द मोस्ट These are Eliot's final words of advice to his audiences, to his readers and its advice as advice he wants us to follow if we are going to have any hope of moving forward peacefully. Shanti is a sacred word from the Hindu faith. It ends each Upanishad and it translates into English as the peace which passes all understanding. मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को एक क्वेश्चन आता है इस पोइट्री में से डिस्क्राइब द वेस्ट प्लान बाई टी एस इलियट एज अ मॉडर्न पोम तो इस आंसर को समझने के लिए एक तो आपको मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा मैं यहाँ पर भी आपको कुछ पॉइंट्स समझा देती हूँ आप एक बार उस वीडियो को भी दोबारा देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर वे The Wasteland is a modern poem simply because it was written in the 20th century. So, first reason hai. 20th century ke beginning May around the World War, one Jojo poetry gaiti specifically describing the after-effects of war. They come under the category of modern poems. Next, it has no hero, no linear narrative, no chronological order of events, and the poem is highly elusive. तो इस पोइट्री में कोई एक हीरो नहीं है जैसे कि महाभारत में अर्जुन या इलियड में अकेलेस उस तरीके का कोई हीरो नहीं है इसके अंदर तो हमें किसी पर्सन का हीरोइज़्म या अच्छाई की बुराई पर जीत ऐसी कोई मॉरलिस्टिक वैल्यूज़ के थ्रू कोई स्टोरी नहीं बताई जाती है किसी पोइट्री में और इसमें सिर्फ आस की इवेंट्स को आस के वर्ल्ड को मैंशन किया जाता है कि किस तरीके से द वर्ल्ड इज़ एक्चुअली बिकमिंग हॉलो तो पूरी दुनिया का इंडिविड जुअलिस्टिक होना पूरी दुनिया का एलियनेट होना ये भी एक फीचर है मॉडर्न पोइट्री का जो इस पूरी पोइट्री में बहुत ही अच्छे से मेंशन किया गया नेक्स्ट द पोम इज़ हाईली इल्यूसिव इल्यूसिव का मतलब मैंने आपको शायद अभी किसी वीडियो में बताया है इल्यूसिव का मतलब होता है जब हम बहुत सारे रेफरेंसेस देते हैं माइथोलॉजिकल टेक्स्ट से हिस्टोरिकल टेक्स्ट से एपिक्स से तो पोम इज Also highly elusive, and its illusions cover a very wide range, from classical stories to medieval literature. And finally, in uh, final lines, me in sabka conclusion kar yehi denge ki, wasteland is a modern poetry because it was written in twentieth century, no linear narrative, highly elusive, and shows hollowness of the world. के लिंक पर आप देख सकते हैं एम ई वन के ही कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम